गाइस, इट्स मी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बिकॉज आज के वीडियो में मैं जिस इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करने वाली हूँ, दैट इज़ एक्चुअली प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर आर हेल्दी स्किन, नेल्स, बॉडी एंड हेयर एज वेल। ठीक है, सो ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कोलाजन। सो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वॉट एग्जैक्टली इज़ कोलाजन। सो कोलाजन बेसिकली एक टाइप का प्रोटीन होता है जो हमारे बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है। सो हमारे बॉडी में जो टोटल प्रोटीन कंटेंट होता है उसमें 30% कोलाजन होता है, और जो हमारे स्किन में प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसमें भी 70% कोलाजन होता है। सो बेसिकली कोलाजन हमारे हेयर, स्किन, नेल्स, लिगमेंट्स, कनेक्टिव टिश्यूज सभी में प्रेजेंट होता है, और यही कोलाजन हमारे टिश्यूज को शेप और स्ट्रेंथ देता है। सो इससे तो आप सबको पता ही चल गया होगा कि कोलाजन कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे बॉडी के लिए, राइट? लेकिन जैसे ही हमारी एज बढ़ती चली जाती है उसी हिसाब से हमारा जो कोलाजन होता है बॉडी में वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड एज पर साइंटिफिक स्टडीज 20 ईयर्स के एज में हमारा जो कोलाजन होता है जो बॉडी में सबसे पीक पर होता है, एंड 20 ईयर्स के बाद वो ग्रेजुअली हर साल डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही कोलाजन हमारे बॉडी में कम होना स्टार्ट हो जाता है, इसके भी इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी में ही नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे डल स्किन, ड्राई स्किन, सैगी स्किन, रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड बॉडी में भी जॉइंट पेन्स होना कई लोगों को स्टार्ट हो जाता है। सो एजिंग तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता ही है जिसके वजह से कोलाजन बॉडी में डिक्रीज होता है, बट इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे और फैक्टर्स हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, एक्सपोजर टू सन हो गया, पुअर डाइट और स्मोकिंग वगैरह के वजह से भी हमारे बॉडी में कोलाजन रैपिडली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सो ऐसे समय में कंज्यूमिंग कोलाजन सप्लीमेंट्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो पर्सनली कोलाजन सप्लीमेंट मैं कंज्यूम करती हूँ इज बाय सैटर्न, एंड दिस इज द सैटर्न कोलाजन बिल्डर। सो ये एक प्लांट बेस्ड कोलाजन सप्लीमेंट है, विच मीन्स दैट इट इज़ कम्प्लीटली वेजिटेरियन। ठीक है, बिकॉज मार्केट में आपको डिफरेंट नॉन वेज कोलाजन सप्लीमेंट्स भी मिल जाएंगे, बट इफ़ यू आर स्पेसिफिकली अ वेजिटेरियन पर्सन देन दिस काइंड ऑफ प्लांट बेस्ड कोलाजन सप्लीमेंट इज द मोस्ट सेफेस्ट फॉर यू। एंड इसमें बेसिकली और डिफरेंट इन्ग्रीडियंट्स भी इंक्लूडेड है, लाइक विटामिन ए, विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड एज वेल एज बायोटिन। सो जो प्लांट बेस्ड कोलाजन है इसमें दैट हेल्प्स टू रिड्यूस द साइंस ऑफ एजिंग लाइक सैगिंग स्किन, रिंकल्स एंड फाइन लाइन्स। हाइलुरोनिक एसिड हेल्प्स टू हाइड्रेट द स्किन एंड प्रोवाइड्स मॉइस्चर टू योर स्किन। इट ऑल्सो कंटेन्स सी बकथॉर्न विच कंटेन्स हाई लेवल्स ऑफ विटामिन सी दैट हेल्प्स टू बूस्ट कोलाजन प्रोडक्शन एंड ऑल्सो ब्रिंग बैक द ग्लो इन योर स्किन। And lastly, it contains vitamin B7, which is popularly known as biotin, which promotes healthy hair, skin and nails. So, आप इसको कंज्यूम कैसे करना है? So, basically, you just have to take 200 ml of water and उसमें आपको इस collagen builder का एक scoop डालना है और मिला के उसको बस पी जाना है after any of your meals. अगर आपको वाटर में मिक्स करके नहीं इसको लेना है, देन यू कैन ऑल्सो ऐड दिस टू योर स्मूदीज एज पर योर टेस्ट प्रेफरेंस। और पानी आप नॉर्मल भी ले सकते हैं या हल्का सा लूक वॉर्म भी ले सकते हैं। अब जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आई एम श्योर आप सबको ही होगा इज दैट इस कोलाजन सप्लीमेंट को लेने के बाद हमें इफ़ेक्ट्स अपने बॉडी और स्किन में कब दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो बेसिकली यू हैव टू रिलीजियसली एंड कंसिस्टेंटली कंज्यूम दिस कोलाजन सप्लीमेंट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months, जिसके बाद आपको डेफिनेटली आपके स्किन में हाइड्रेशन लेवल्स फील होना स्टार्ट हो जाएगा, रिंकल्स, फाइन लाइन्स उसमें भी रिडक्शन आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज हु ऑल कैन स्टार्ट कंज्यूमिंग दिस कोलाजन सप्लीमेंट। So, जैसे कि मैंने पहले बताया 20 साल के बाद कोलाजन हमारे बॉडी में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सो एनीबडी ओवर 20 इयर्स ऑफ एज कैन इजीली स्टार्ट कंज्यूमिंग दिस कोलाजन सप्लीमेंट बाय सैटर्न। सो मैंने जब से इसको कंज्यूम करना स्टार्ट किया है इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 months नाउ, एंड आई कैन ऑनेस्टली सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन माई ओवरऑल स्किन का टेक्स्चर हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, हाइड्रेशन हो गया। नाउ माई स्किन हैज दैट प्लम्पनेस इन इट विच वॉज lacking earlier, and obviously because I'm close to 40 now I have to take all of these supplements so that jo mera aging process ho wo thoda sa aur zyada smooth ho jaye। basically obviously aging se koi nahi bach sakta hai, lekin hum zarur apne body ka thoda sa dhyan rakh sakte hai jisse we can age gracefully basically। so main zarur recommend karungi ki aap satin ka ye collagen builder zarur try kijiye। so I would highly recommend you all to try out the satin collagen builder supplement।
एंड यू विल स्टार्ट नोटिसिंग चेंजेस इन योर हेयर, इन योर स्किन एंड इन योर नेल्स एज वेल. दिस इज़ माई गारंटी टू यू. सो अगर आपको भी ये सैटिन का कोलाजन बिल्डर ट्राई करना है तो इसका डायरेक्ट लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए और इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस देन यू कैन ऑल्सो कॉमेंट इट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल मेक श्योर टू आंसर देम फॉर यू. So yeah, that's it for today's video guys. I hope aapko aaj ka video useful aur helpful laga ho. If you've liked this video then please don't forget to give it a big thumbs up and also please do subscribe to my channel as well. So yeah, that's it for today's video guys. I will see you soon in my next video. Until then, bye-bye.